नमस्ते दोस्तों, सीधा कंपैरिजन आपके लिए लेके आया हूं एम्पियर का मैग्नस ईएक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो ऑलरेडी टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमेशा रहा है पिछले कुछ महीनों से, और दूसरा एम्पियर ने अभी अभी लॉन्च किया हुआ एम्पियर का प्राइमस इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही बेहतरीन है। आपने कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए इनमें से, इसके ऊपर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइज इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतने धमाकेदार डिटेल वीडियो शायद ही आपको दूसरे चैनल पर मिले। तो चलिए गाइज वीडियो की शुरुआत करते हैं। यस दोस्तों, तो हमारे सामने दो बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर है। एक है एम्पियर का प्राइमस जो LFP बैटरी के साथ आता है, और दूसरा है एम्पियर का मैग्नस EX जो NMC बैटरी के साथ आता है। दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही बेहतरीन है, दोनों में आपको अच्छा खासा लुक मिल जाता है। पहले मैं लुक के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसमें लुक अच्छा नहीं मिलता। हालांकि जो प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है जैसे बजाज चेतक हो गया, TVS हो गया, एथर हो गया, ओला हो गया, इनमें लुक आपको अच्छा मिल जाता है। बट जो बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जैसे ये दोनों जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसका आपको एक्स शोरूम प्राइस जो है वो 1 लाख के नीचे मिल जाता है। तो 1 लाख के नीचे प्राइस होके भी बहुत ही बेहतरीन लुक्स के साथ ये दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो आपको यहां पर सीधा दिख जाएगा एम्पियर मैग्नस EX का जो बैटरी है 2.295 किलोवाट आवर का NMC केमिस्ट्री वाला बैटरी है, और एम्पियर का प्राइमस जो है उसका 3 किलोवाट आवर का LFP केमिस्ट्री का बैटरी है। गाइज NMC वर्सेस LFP, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूं, बट आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं। LFP जो है इसमें आपको मिनिमम 1500 साइकिल्स मिल जाते हैं, और NMC में आपको 800 से 1000 साइकिल्स मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स द वे द इलेक्ट्रिक व्हीकल इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड, कितना अच्छा सेल यूज किया गया है, उसमें जो कंटेंट है जैसे लिथियम आयन हो गया, या NMC तो है निकेल मैंगनीज कोबाल्ट, वो कौन से क्वालिटी का है उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस डिपेंड होता है। बट एम्पियर एक बड़ा ब्रांड है, ग्रीव्स ने उसको टेक ओवर किया है, तो मैं समझ रहा हूं कि क्वालिटी इसका अच्छा होगा। तो 1500 साइकिल आपको प्राइमस में मिलेंगे बैटरी के, और मैग्नस EX में आपको शायद 800 से 1000 साइकिल ही मिलेंगे। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहां पे प्राइमस जो है उसकी बैटरी कैपेसिटी ऑफ कोर्स ज्यादा है, 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, इसके वजह से उसका रेंज इन्होंने 120 किलोमीटर बोला है। बट आप अगर अच्छी तरीके से देखो तो मुझे लगता है इन दोनों में आपको लगभग 100 किलोमीटर का ही रेंज मिलेगा गाइस, क्योंकि ये IDC रेंज है। 121 किलोमीटर का रेंज बोला था एम्पियर की मैग्नस EX में, बट किसी को वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो IDC है। ट्रू रेंज इसका जो है वो 95 to 100, बहुत ज्यादा अगर आप इको मोड में चलाओगे तो। तो इसमें अगर आप देखोगे एक साइकिल में अगर 100 किलोमीटर जा रहा है तो 1500 साइकिल में 1.5 लाख किलोमीटर जाएगा, और ये जो दूसरा है वो शायद आपको 80,000 to 1 लाख किलोमीटर ही जाएगा, क्योंकि उसमें NMC केमिस्ट्री का बैटरी है। गाइज मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं जो यहां पे आंकड़े बता रहा हूं दीज आर डिपेंडेंट ऑन आप कैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाते हो, आप कितने स्पीड पे चलाते हो, कितना लोड आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पे रखा है, बैटरी आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग साइकिल मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीजों के ऊपर, यूजर कैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज करता है उसके ऊपर उसका लाइफ डिपेंडेंट होता है। तो ये आंकड़े मैं बता रहा हूं, मतलब ये फिक्स आंकड़े है, ऐसा नहीं मैंने सिर्फ 1500 साइकिल और हर साइकिल में अगर 100 किलोमीटर मिले तो 1.5 लाख किलोमीटर, बट एक्चुअली हर साइकिल में 100 किलोमीटर नहीं मिलेगा, पहले 1.5 साल आपको मिलेगा, उसके बाद में थोड़ा सा एनर्जी डेंसिटी जो है वो शायद कम होते जाएगा, और रेंज थोड़ा 80 किलोमीटर तक भी आपका आ सकता है। तो 1.5 लाख इज मैक्सिमम पॉसिबल, बट 1 लाख से 1,20,000 आपको मिल ही सकता है। तो ये जो आंकड़ों में बता रहा हूं वो इजी करने के लिए बता रहा हूं, रेंज दोनों की सेम है बट इसमें दो बड़े डिफरेंस है। एक तो मैंने बोल दिया बैटरी का डिफरेंस, और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस जो प्राइमस इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये वाला, इसमें PMSM मोटर है जो बेल्ट ड्रिवन है, जैसा एथर का बेल्ट ड्रिवन मोटर है वैसा ही PMSM मोटर इसको आपको प्राइमस में मिल जाएगा। और ये जो मैग्नस EX था इसको पहिए में बैठने वाला BLDC हब मोटर था। तो ड्यूरेबिलिटी के बारे में, AC मोटर का जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू DC मोटर, क्योंकि BLDC मोटर पहिए में बैठता है, तो पहिए में उसको बहुत सारे, जब आप खड्डों में से जाते हो, पॉट होल्स में से जाते हो, तो उसको झटके बहुत लगते हैं। बट AC मोटर जो है डायरेक्टली पहिए में नहीं होता, वो बेल्ट ड्रिवन होता है, तो उसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि उसको शॉक एब्जॉर्बर्स और बहुत सारा इंपैक्ट होने के बाद उस तक इंपैक्ट पहुंचता है। और बात करें टॉर्क की, परफॉर्मेंस की, एक्सेलरेशन की, तो AC मोटर का एक्सेलरेशन बहुत ही बेहतर होता है। तो मोटर के बारे में बात करें तो 4 किलोवाट आवर का मोटर आपको एम्पियर की प्राइमस में मिल जाता है, और 2.1 किलोवाट का मोटर आपको एम्पियर की मैग्नस EX मिल जाए, तो लगभग
डबल कैपेसिटी है देखो मोटर की, एम्पियर की प्राइमस में। 4 किलोवाट का पीएमएसएम मोटर वर्सेस 2.1 किलोवाट का बीएलडीसी मोटर। रेंज के बारे में ऑलरेडी बोल दिया, टॉप स्पीड देखो, तो अगर मोटर इतना जबरदस्त पावरफुल है तो टॉप स्पीड भी बढ़िया देगा। 77 केएमपीएच का टॉप स्पीड प्राइमस में है, और हालांकि 53 केएमपीएच का टॉप स्पीड ही आपको एम्पियर की मैग्नस ईएक्स में मिल जाता है। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यहां पे भी आपको दिखेगा 4.2 सेकंड्स में 0 टू 40 कर देगा एम्पियर का प्राइमस, बट 4.8 सेकंड्स लगेंगे एम्पियर की मैग्नस ईएक्स को। मोटर पावर जो होता है दैट इज टॉर्क इनटू ओमेगा, और ओमेगा जो होता है वो 2πn/60 होता है, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं। तो जितना पावर ज्यादा उतना टॉर्क एक्सेलरेशन आपको ज्यादा मिलेगा। ग्रिडेबिलिटी हालांकि दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की लगभग सेम है, आप अच्छे खासे सिटी में फ्लाईओवर्स इजीली चढ़ पाओगे। क्लाइंबिंग करना जितना अच्छा एथर या बजाज चेतक कर पाएगा उतना अच्छा एम्पियर का प्राइमस या एम्पियर का मैग्नस ईएक्स नहीं कर पाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। जब मैं एथर, ओला S1 प्रो या बजाज चेतक की बात करता हूं तो 1.5 लाख तक उनका प्राइसिंग जाता है। इसका प्राइसिंग मैक्सिमम 1,10,000 से 1,15,000 तक ऑन रोड जाएगा, दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर का इससे कम ही होगा। तो ऑफकोर्स अगर सिटी के लिए यूज करने वाले हो, आपको ज्यादा टॉप स्पीड की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, एक फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है, तो LFP बैटरी वाला एम्पियर का प्राइमस आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गाइज अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो और थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको एक बुक कैसे कर सकते हो। और एक मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे से और अच्छी तरीके से जुड़ना चाहते हो तो PV_ तस्वीर वाला, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे कनेक्ट हो जाओ। मैं आपको पर्सनल अगर कोई इश्यूज है गाड़ी के साथ, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनका भी मैं जवाब आपको दे दूंगा। कर्व वेट की बात करें तो ऑफ कोर्स प्राइमस का कर्व वेट ज्यादा है क्योंकि उसका बैटरी बड़ा है, क्योंकि उसका मोटर भी तगड़ा है, तो कर्व वेट बढ़ गया है। लगभग 110 किलोग्राम का कर्व वेट एम्पियर के प्राइमस का है, 82 किलोग्राम का कर्व वेट एम्पियर के मैग्नस ईएक्स का है। बूट स्पेस की बात करें तो यहां पे भी एम्पियर के प्राइमस का लगभग 3 लीटर से ज्यादा का बूट स्पेस है एज कंपेयर टू एम्पियर का मैग्नस ईएक्स। और अगर प्राइसिंग की बात करें गाइज, तो ये नया अपडेटेड प्राइस है मैग्नस ईएक्स का, लगभग 82,000 एक्स शोरूम है, मतलब ऑन रोड लगभग 90,000 या 95,000 तक ये चला जाएगा। और प्राइमस का मुझे जो पता चला है 1.2 लाख लगभग इसका ऑन रोड प्राइस हो सकता है। ये मैं बोल रहा हूं कहां पे, महाराष्ट्र में। ओके, प्राइसेस वेरी स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी। तो अगर आप मुझे बोलते और मुझे एम्पियर सिलेक्ट करना होता तो ऑफकोर्स मैं प्राइमस के साथ जाता। दो बातें हैं, क्योंकि उसमें LFP केमिस्ट्री का बैटरी है, दूसरा उसमें AC मोटर है, तो बहुत ही बेहतरीन है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू द एक्चुअल वेबसाइट ऑफ एम्पियर बाय ग्रीव्स सो दैट यू विल लर्न मोर अबाउट इट। अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेट्स मूव ऑन टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एम्पियर बाय ग्रीव्स। तो पहले मैंने एम्पियर मैग्नस ईएक्स यहां पे खोला है। 80-100 किलोमीटर का सिंगल चार्ज में ट्रू रेंज मिलेगा ऐसा इनका कहना है। और लुक्स में तो ये अच्छा है ही, 4 कलर्स में मिल जाता है, मेटालिक रेड, गैलेक्टिक ग्रे, ग्रेफाइट ब्लैक, ग्लेशियल व्हाइट एंड ओशन ब्लू। बहुत ही अच्छे कलर्स इसमें, ये नए कलर्स आ चुके हैं इसमें। बहुत अच्छे खासे फीचर्स जैसे रिवर्स मोड भी आ चुका है, अभी साइड स्टैंड सेंसर भी आ चुका है नए मैग्नस CX में। ओके, 0 टू 40 10 सेकंड्स में करेगा, एक्चुअली 7.48 में हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉडी है, पावरफुल हब मोटर इसके में आपको मिल जाता है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, इनकी सीट भी अच्छी है। सेफ्टी के बारे में बात करें तो कंबाइंड ड्यूअल ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। और प्राइसिंग जैसे यहां पे मैंने मेंशन किया, इन्होंने मेंशन किया वैसा ही मैंने बताया, 81,900 इसका प्राइसिंग है। और इसमें फाइनेंस भी मिल जाता है, 8.99 इंटरेस्ट के साथ आपको फाइनेंस मिल जाएगा। 3+2 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी मिल सकती है। गाइज यहां पे एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप बेसिक वारंटी के साथ जाते हो तो 20,000 किलोमीटर तक का ही वारंटी मिलता है, जो बहुत ही कम है। इसलिए प्राइमस के साथ वो आए हैं जो IS 156 स्टैंडर्ड को भी फॉलो करता है और LFP बैटरी के साथ भी आता है, तो आपको ज्यादा अच्छा उसका लाइफ मिलेगा। बाकी स्पेसिफिकेशंस मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आप बुकिंग कर सकते हो प्राइमस का, अभी मैं प्राइमस आपको दिखाना चाहता हूं। लेट मी शो यू प्राइमस, क्योंकि प्राइमस ने बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार बात कर दी है। गाइस लैंडिंग पेज पे ही इनका एम्पियर का प्राइमस सामने आ जाता है, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने इसका लॉन्चिंग भी किया है। 1,000 रुपया देके आप इसको बुक कर सकते हो। 0 टू 40 5 सेकंड में करेगा, 77 केएमपीएच का टॉप स्पीड मिल जाएगा, 3 किलोवाट आवर का LFP बैटरी ऐसा इन्होंने यहां पे मेंशन किया है, विद स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। कलर्स बहुत ही बेहतरीन है, ये है इनका कौन सा कलर है भाई, कलर का नाम, ओके, रॉयल बंगाल ऑरेंज, ये दूसरा
हैवलॉक ब्लू, तीसरा है हिमालयन व्हाइट और चौथा है बक ब्लैक। तो बहुत ही मस्त कलर है, परफॉर्मेंस मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, पीएमएसएम मोटर इसमें मिलेगा जो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा क्योंकि एसी मोटर है गाइज। एसी मोटर जो होता है ना उसका बिल्ट और अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द बीएलडीसी हब मोटर। तो एसी मोटर के साथ बेल्ट ड्रिवन ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिल जाएगा जिसमें आपको अच्छा खासा फ्यूल सेविंग होगा ही, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की तरफ आप एक पैर आगे बढ़ाओगे। देश की सेवा में अगर हम डायरेक्टली नहीं कर पा रहे तो इनडायरेक्टली बाय रिड्यूसिंग द फ्यूल कंजम्पशन एंड बाय प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्चुअली आप देश के विकास के लिए काम करने वाले हो। तो ये हो गया डिटेल वीडियो एम्पियर का प्राइमस वर्सेस मैग्नस ईएक्स। गाइस ये वीडियो कैसा लगा जरूर बोलना, आपके कुछ कमेंट्स है, सजेशंस है, क्वेरीज है नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, PVG_ मेरा हैंडल है। मिलेंगे गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।